दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इस बाइक में जब ये हीट होती है तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम करती है, और कभी कभी तो स्टार्ट भी नहीं होती है, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, और हीट होने के बाद अपने आप बंद हो जाती है, उसके बाद ठंडे होने के बाद स्टार्ट होती है। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि इसका जो है ना कंप्रेसर चला जाता है। ये देखिए कि कितना फ्री है, इसे हार्ड होना चाहिए, इसे हार्ड होना चाहिए, ये बहुत फ्री है। तो ये क्यों हो जाता है? इसका हेड का जो वाल होता है, वो जो बड़ा वाला वाल है वो बहुत पतला होता है, उसका जो मेटल होता है ना बहुत पतला होता है, तो वो क्या होता है ना, वो साइड साइड से घिस जाता है, खा जाता है उस वो साइड साइड से। तो साइड साइड से खाने के बाद क्या होता है, वो ऊपर चला जाता है। जब उसका फेस कट जाता है तो वो ऊपर चला जाता है, और ऊपर का जो टाइफिड जो होता है, टाइफिड नट, वो उसे नीचे धकेल देता है, नीचे धकेल देता है, तो क्या होता है कि वो कंप्रेसर डाउन हो जाता है। तो इसके लिए, इसे सही करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसका टाइफिड को लूज़ करना होगा। इसका टाइफिड को लूज़ करेंगे तो वो सही होगा। ये प्रॉब्लम पल्सर और 125 डिस्कवर में ज़्यादा होता है। ज़्यादा रन करने के बाद इसका जो वाल होता है वो घिस जाता है। इसका मैं वाल को भी दिखा दूँगा आपको कैसा रहता है और घिसने के बाद कैसा हो जाता है। तो वाल मैं इसका चेंज नहीं करूँगा। अगर पल्सर वगैरह ज़्यादा रन कर रही है या ज़्यादा लंबा टूर चल रही है तो वो जल्दी घिस जाता है। तो चलिए पहले मैं इसका वाल को चेक कर ले रहा हूँ, इसे सही कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इसका वाल को आपको दिखा देता हूँ। ये पल्सर 150 और डिस्कवर 125 में ही होता है ज़्यादातर, क्योंकि दोनों का वाल सेम होता है। चलिए मैं इसे खोलने के लिए सबसे पहले टंकी और सीट खोल लेता हूँ। सीट को ओपन कर लेते हैं। सीट उठा पीछे से, अब ये नट खोलकर टंकी को भी हटा लूँगा। इसका हम एक प्लग भी ओपन कर लेते हैं ताकि हमें पिस्टन को टॉप करने में आसानी होगी। प्लग को मैंने खोल दिया है, अब मैं वाल को खोलता हूँ। ये टाइफिड कैप है, एक इधर और एक इधर। ये 24 नंबर का पाना से खुलेगा, टूल से खोलो इस साइड। ये दोनों खुल गया। ज़्यादातर ये वाला ही प्रॉब्लम करता है, ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता। चलिए मैं पिस्टन को टॉप में कर लेता हूँ। पहले टॉप में करने के लिए इस जगह पे आपको टी के सिंबल में मिलाना होगा आपको। चलिए हम मिला लेते हैं उसे। हमने इसे टॉप में कर लिया, पिस्टन जो है वो टॉप में है, ऊपर में है। तो ये देखिए, ये बहुत टाइट है, और इसे भी चेक कर लेते हैं। ये सही है, ये सही है, ये बहुत ज़्यादा टाइट है। तो हम इसे सेट करेंगे, इसे थोड़ा सा लूज करेंगे। अगर आपके पास इसका गेज है उससे भी कर सकते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं तो हम लोग को आदत हो गया। लूज करो, ऊपर वाले 9 नंबर नट को लूज कर बीच वाले को लूज करेंगे। ये सही है, अब इसे इतना पे ही टाइट कर देंगे। टाइट करो, ऊपर वाले में टूल से इसलिए लगाते हैं हम लोग कि टाइट करने वक्त वो घूम न जाए, वो अपनी जगह पे ही रहे। ये सही हो गया। आप ब्लेड से भी इसका डिस्टेंस नाप कर सकते हैं। अब ये सही कंप्रेसर बनाएगा और ये प्रॉब्लम भी नहीं करेगा। अगर आपके पास पल्सर है और 125 डिस्कवर है तो आप
10,000 किलोमीटर चलाने के बाद इसे एडजस्ट चेक जरूर करवाएं, एडजस्ट जरूर करवाएं, वरना आपको बाद में दिक्कत होगा। अब हम इसका कंप्रेसर चेक कर लेते हैं, ठीक मारो। अब ये सही हो गया, पहले ये कंप्रेसर ही नहीं बता रहा था और कहीं इन्होंने दिखाया तो उन्होंने कहा कि हेड का काम करवाना पड़ेगा। अगर आप पल्सर रखे हैं तो 10,000 किलोमीटर पर ज़रूर इसका वाल्व को चेक करवाएं, ताकि आपको परेशानी ना हो, रास्ते में परेशानी ना हो। अब हम इसे फिट कर देते हैं, दोनों कैप को लगा देते हैं। प्लग लगा दो। ऐसा प्रॉब्लम होने से आपका पिकअप और माइलेज दोनों डाउन हो जाएगा, माइलेज भी घट जाएगा और गाड़ी पिकअप भी नहीं लेगी। ये देखिए, ये वाल है, पल्सर का ही वाल है। तो क्या होता है कि इसके ये जो देख रही है साइड वाला, ये घिस जाता है। और कैसे घिसता है, ये हेड में जब चलता है, जब गाड़ी चलती है तो ये अप एंड डाउन करता है, ऊपर नीचे हमेशा। जब गाड़ी स्टार्ट रहती है तो ये होते रहता है, तो ये अप एंड डाउन करते करने के चक्कर में ये भी लोहे की रहती है और ये भी लोहे की रहती है। ये लोहे के दोनों रहती है, तो ये जो इसका जो मेटल है ये बहुत पतला होता है और गाड़ियों से पतला होता है। ये घिस जाती है, ये घिस जाने के बाद क्या होता है कि अंदर चला जाता है, ये जैसे जैसे घिसती है ये थोड़ा थोड़ा अंदर चला जाता है। और जो वाल क्लियरेंस होता है टाइफिट जो हम लोग सेटिंग करते हैं, वो इसे इसके बराबर बराबर में करते हैं। तो जब ये अंदर चला जाता है तो ये ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है तो वो दोनों का डिस्टेंस कम हो जाता है या वो ज़्यादा सड़ जाता है, सड़ जाता है तो ये हल्का सा गैप हो जाता है, इस बीच में हल्का गैप बन जाता है, इससे कंप्रेसर डाउन हो जाता है। और कंप्रेसर डाउन होने के बाद क्या होता है, इसका कंप्रेसर डाउन हो जाता है, तो ये धीरे 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 अंदर चला जाता है। तो हम लोग टाइफिट को लूज करते हैं, लूज करने के बाद कंप्रेसर आ जाता है, और ये अगर ज़्यादा चला जाता है तो हमें ये इसे चेंज करना पड़ता है। इसका दाम भी ज़्यादा नहीं है, 300 रुपया है, लेकिन परेशानी होती है इसे खोलकर फिट करवाने में। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, कि कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है और ये ख़राब भी क्यों होता है। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया, इसे मैंने फिटिंग कर दिया। अब हम इसका कंप्रेसर चेक कर लेते हैं। देखिए, कंप्रेसर हार्ड हो गया इसमें, पहले ये स्लो जा रहा था, अब ये स्लो नहीं जा रहा, अब ये हार्ड जा रहा है। पहले इसका पिकअप भी डाउन था और माइलेज भी ख़राब हो गया था, माइलेज भी कम दे रहा था। अब ये माइलेज भी सही देगी और पिकअप भी सही लेगी। पहले ये स्लो भी नहीं होता था, बंद हो जाता था एक्सीलेटर छोड़ने के बाद, ये बंद हो जाता था। अभी वो प्रॉब्लम भी नहीं रहा इसमें। तो अगर आपकी बाइक में भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वाल ज़रूर चेक करें, वाल से ही प्रॉब्लम होगा। और अगर 3-4 बार ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, 3-4 बार वाल आपका डिस्टर्ब किया, तो आप वाल चेंज करवा दें, वाल का ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगा और आप रास्ते में होने वाली परेशानी से बचे रहेंगे। 125 डिस्कवर और पल्सर का वाल सेम होता है, अलग नहीं होता। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए
नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।